हाय गाइस, आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने कुछ टाइम पहले मोटो G34 का रिव्यू अपलोड किया था, उसके बाद भी काफी लोगों के डाउट है, तो मैंने सोचा क्यों ना उन सारे डाउट को आज की वीडियो में एड्रेस किया जाए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं ना, मैंने काफी कमेंट देखे इसको लेके, जैसे किसी को नेटवर्क इश्यू आ रहा है अभी भी, किसी का ये कहना है कि 5G से 4G पे ऑटोमेटिक शिफ्ट होता है या नहीं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि इस फोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, और काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि फोन हीट भी होता है। तो स्पेशली आज की वीडियो में इसलिए लेके आऊं ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर पाऊं इस फोन को लेके, क्योंकि इस फोन को यूज करते हो मुझे लगभग एक महीने से भी ऊपर हो गया है। तो सारी बातें डिटेल में करेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टेक केयर फार्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलना। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। जैसे कि काफी लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि ये फोन 5G से 4G ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है या नहीं। तो देखो, ऑटोमेटिकली तो ये शिफ्ट नहीं होता, आपको मैन्युअली जाके 4G पे करना पड़ेगा। और आप ये बात को समझना, ये 10,000 के अंदर आता है, पहले से हमें इतनी सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती है, तो और आपको क्या ही चाहिए। हमें ये नहीं कहना कि आपको मिल नहीं सकता, ये अपडेट से आपको दिया जा सकता है, बस ब्रांड वाले अपडेट दे दे ऐसा कुछ तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें काफी लोगों ने नेटवर्क इश्यू की बात की है, काफी लोग ये कह रहे हैं कि उनके डिवाइस में नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं, उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो देखो, अगर मैं अपने केस में बताऊं ना, तो मैं इसमें एयरटेल 5G यूज कर रहा हूं, और लिटरली गाइस मुझे ऐसा कोई इशू नहीं दिखा। मेरा 5G बहुत अच्छे से चल रहा है, और मुझे अभी तक कोई ऐसा नेटवर्क इशू नहीं दिखा इस फोन के साथ। हां, शायद ये हो सकता है आप कोई ऐसी लोकेशन पर रहते हो जहां 5G नेटवर्क ही अच्छे से ना आते हो, या आप कोई ऐसी सिम यूज कर रहे हो उस फोन के साथ जिसके नेटवर्क भी काफी कम देखने को मिलते हो उस एरिया में। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हो, आप 5G की जगह 4G पे चलाओ, तो शायद आपको ऐसा इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे अभी भी 5G नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहे, तो इसलिए इशू आ सकता है। अगर आप 4G पे कर दोगे तो आपको ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये मेरे डिवाइस में ऐसा इशू होता तो मैं आपको जरूर बताता, पर अभी तक मुझे ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला है। मेरा बहुत अच्छे से 5G चल रहा है, और अच्छे से नेटवर्क भी आ रहे हैं। अब चलते एक और क्वेश्चन की ओर, जिसको लेकर काफी लोगों ने कमेंट किया है, इसकी बैटरी को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, और अगर आपने अभी तक मेरा रिव्यू नहीं देखा तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। मैंने उस वीडियो में इसकी बैटरी बैकअप को लेकर सारी बातें करी है। अगर आपको उसके बाद भी कुछ डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था मैं गेमिंग भी करता हूँ, नॉर्मल यूज भी है मेरे, तो मुझे ऐसा मेजर इशू नहीं दिखा कि इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। जैसे काफी लोगों का ये कहना है कि उसकी बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है, बट लिटरली गाइस मेरे केस में ऐसा मुझे कोई इशू नहीं दिखा अभी तक, मुझे इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा दिखा है। अब पता नहीं जिन लोगों ने कमेंट किया उनके डिवाइस में कोई इश्यू हो, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप अपना एक बार डिवाइस अपने सर्विस सेंटर में दिखा दो, उनसे जाके बात करो कि उनकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं दिखा। मेरा फोन बहुत मस्त चल रहा है, मुझे बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा मिला है, और मैंने इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको सब कुछ बता पाऊं इस फोन के बारे में। खैर, एक कमेंट और आया था, इनका ये कहना था कि उनका फोन चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटे लेता है। अब पता नहीं ऐसा क्यों, बट मैं जब चार्ज करता हूं तो मुश्किल से मुझे फुल चार्ज करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, और हाँ, उस टाइम थोड़ा सा फोन हीट भी हो जाता है। कुछ लोगों का कहना था ना कि फोन हीट होता है, तो अगर मैं आपको सच बताऊं, ये चार्जिंग के टाइम हीट होता है। अगर आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो ऐसा कोई इशू देखने को मुझे तो नहीं मिला है। हाँ, इतनी मेजर हीटिंग भी नहीं थी, थोड़ी बहुत हीटिंग थी, वो तो आपको पता ही है, हर फोन में चार्जिंग के टाइम हीटिंग होती है, तो इस फोन के साथ भी वैसे ही है। और हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी है, तो गाइस मैं आपको लिटरली अगर बताऊं ना, तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर मिलता है, और नो डाउट वो प्रोसेसर काफी अच्छा है इस प्राइस के हिसाब से। आप इसमें आराम से कॉल ऑफ ड्यूटी BGMI जैसी गेम खेल सकते हो, और आपको ये 101% अच्छी परफॉर्मेंस ला के देगा। और आप भी जानते हैं ये प्रोसेसर हमें 20 से 25 हज़ार की रेंज में भी देखने को मिला है, और अब ये राइट प्राइस पे है 10,000 के अंदर, तो उस हिसाब से काफी अच्छा प्रोसेसर है। आप इसमें गेमिंग से लेकर नॉर्मल यूज आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और अगर आपको डिटेल में इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना है तो आप मेरी रिव्यू वाली वीडियो देख सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों का एक डाउट और है कि इसकी डिस्प्ले कैसी है, तो अगर मैं आपको बताऊं, इसमें आपको HD डिस्प्ले मिलती है, और नो डाउट ये डिस्प्ले मुझे इतनी बेकार नहीं लगी है। अगर आप इसको नॉर्मली यूज करोगे ना तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं दिखेगा, मतलब मोटोरोला ने इसमें डिस्प्ले तो अच्छी दी है, बट HD है ये आपको आउटडोर में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है अगर आप ज्यादा सनलाइट में इसको यूज करोगे तो। वैसे आप नॉर्मल यूज करोगे आपको ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, एक भाई साहब का ये कहना था कि इस फोन के साथ हमें टेम्पर ग्लास और बैक कवर मिलता है या नहीं, तो भाई इसके साथ आपको कुछ नहीं मिलता, आपको सब कुछ अलग से खरीदना पड़ेगा। और अगर मेरी मानो तो आप फोन लेते इसमें बैक कवर और टेम्पर ग्लास तो चढ़ा ही लेना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक भाई साहब का कहना है कि इसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन है या नहीं, तो भाई देखो इसमें आपको रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं मिलता, आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग इस फोन को खरीदने की कर रहे हैं बट वो ले नहीं पा रहे, क्योंकि जितनी बार इसकी सेल आई वो आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाता है कुछ ही देर में। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो सेल लाइव है, और ये फोन मोटोरोला की साइट पे तो मिल रहा है, फ्लिपकार्ट भी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, बट अगर आप चाहो तो मोटोरोला की साइट पे जाके ले सकते हो। हाँ, आपको 8128GB वाला तो अभी नहीं मिलेगा, वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, जब भी इसकी सेल आएगी तो आप उसी टाइम उसको ले लेना, वरना ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो ही जाता है। अगर आप मेरी मानो, आप अगर गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं या आपके यूजेस कुछ ज्यादा ही है, तो आप 8GB वेरियंट के साथ जाना, वरना 4GB भी वेरियंट ले सकते हैं, काफी अच्छा रहता है अगर आपका नॉर्मल यूज है तो। अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो 8GB के साथ ही जाना, क्योंकि उसमें रैम ज्यादा मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस और अच्छी निकल के आती है। बाकी सबसे बड़ा डाउट लोगों को यही था नेटवर्क को लेके।
हाँ अपडेट के जरिए ये चीज करी जा सकती है ऑटोमेटिक के 5G से 4G में शिफ्ट हो जाए। बाकी वही बात है, अब देखते हैं मोटोरोला हमें कब अपडेट देती है इस चीज को लेके। पर अगर आप नेटवर्क का इश्यू फेस कर रहे हैं इस फोन के साथ तो आप 4G पे करके यूज करिए, आपको ऐसा कोई इश्यू फेस नहीं होगा। जहाँ आपको लगे आपको नेटवर्क अच्छे मिल रहे हैं वहाँ 5G पे यूज करिए, जहाँ आपको लगे की नहीं यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे तो आप वहाँ पे 4G यूज करिए, आपको नेटवर्क इश्यू नहीं होगा। बाकी इस फोन को लेकर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई देने की। तो आप अपने क्वेश्चन पूछे मुझे कमेंट में, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।